हम देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर भी लीन हो जाए। निश्चित आपसे पूछे, मोबाइल पे बात करते हो आप लोग? बोलो तो जम के, करते हो? मोबाइल पे बात कर रहे हो, अपनी सारी बात आप कह रहे हो, सारी बात आप बोल रहे हो। जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको दिख नहीं रहा। जिससे भी हम फोन पर बात कर रहे हैं, जिससे भी हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, दिखता नहीं। हाँ, यदि वीडियो कॉलिंग है तो दिख जाएगा, पर यदि वीडियो कॉलिंग नहीं है और आप किसी को फोन लगाए हो, आपने किसी को मोबाइल लगाया, किसी को फोन लगाया, उससे बात कर रहे हो, तो वो दिखेगा नहीं। वीडियो कॉल करा है तो दिख सकता, पर वीडियो कॉल नहीं है और आप किसी को फोन लगाए हो तो वो दिखने वाला नहीं, वो दिखता नहीं है। भले ना दिखे, पर वो नहीं भी दिखता है ना, तो भी हम अपने हृदय की सारी बातें उसको फोन पर बोल देते हैं, अपने दिल की सारी बातें हम उसको मोबाइल पर बोल देते हैं। बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? जिससे हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं वो हमको दिख नहीं रहा, पर हम अपने मन की पूरी बात उसको बोल रहे हैं, अपने मन की सारी बात हम उसको कह रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। और फोन पर जो बात कर रहा है तुमसे, तुम अपनी बात कहे जा रहे हो, आखिरी में वो थोड़ा ना थोड़ा आपकी बात का उत्तर हूं, हाँ, ठीक है, बाद में, अभी, ऐसा उत्तर वो दे ही देता। जिससे तुम बात कर रहे हो गला पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। जिससे तुम बात कर रहे हो वो दिखाई नहीं देगा, वो दिख नहीं रहा है, पर आप अपनी पूरी बातें उसको कह रहे हैं, अपनी मन की बात सब कुछ आप उससे कह रहे हैं, सब कुछ। दिखा नहीं है वो, पर कहा सब कुछ है। उसी तरह जिससे बात कर रहे हो वो दिखता नहीं है, सुनता रहता है, और फिर तुम्हारा जवाब थोड़ा न थोड़ा वो देता जरूर है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपने मन की बात कहते हैं, तो मेरा महादेव दिखता भले नहीं है, पर तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा जवाब जरूर देता। दिखेगा नहीं वो दिखता नहीं है, पर जवाब जरूर देता है। कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, में भी अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, उठा लो। दिखेगा नहीं वो,
और आपका जवाब देगा जरूर, बोलेगा जरूर, निश्चित है, कहेगा जरूर। दुनिया के कई लोगों के हृदय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कोई कहता है कि ईश्वर है, भगवान है, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। कोई कहेगा कि मंदिर तक जाओ, देवालय शिवालय तक जाओ और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान की सेवा करो, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा में लगो। और कोई कोई कहेगा कि आपको मूर्ति पूजन करना ही नहीं, सब लोग मिलेंगे। कोई कहेगा इस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा उस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा देवी जी को भजो, कोई कहेगा राम जी को भजो, कोई कहेगा कृष्ण को भजो, कोई कहेगा शंकर जी को भजो, कोई कहेगा नारायण को भजो, कोई कहेगा शनि महाराज को भजो, कोई कहेगा गुरु महाराज को भजो, कोई कहेगा नाग देवता को भजो, कोई कहेगा इसको भजो। हम तो केवल इतना कहते हैं, तुम्हारी जिससे अच्छी पटे, पटे का मतलब है जिससे अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी बन जाए, जिस देवता से तुम्हारी अच्छी लगन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा मन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा चित्त जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारे मन की बात हो जाए। हम तो उतना कहते हैं कि जिस देवता से तुम्हारे हृदय का भाव जुड़ा हुआ है, उस देवता को भजना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारी नैया पकड़कर पार कर ही दे, निश्चित है। राम से तुम जुड़े हो तो राम को भज लो, कृष्ण से तुम जुड़े हो तो कृष्ण को भज लो, शिव से तुम जुड़े हो तो शिव को भज लो, देवी से अगर जुड़े हो तो देवी जी को भज लो। तुम्हारा जो मन पड़े, तुम्हारा जो चित्त करे, तुम्हें जो लगे कि ये मेरी नैया पार कर सकते हैं, उनको भज लो। पर जिसको भी भजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको भी भजना पूर्ण समर्पण से भजो, पूर्ण समर्पण। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा कथा को। इस तपती हुई धूप में तुम लोग अपने अपने घर से निकल कर आई हो, छाता लेकर धक्का मुक्की कर कर जहां तहां जगह निकाल कर बैठ गए हो। तुम लोगों को तो जगह भी मिल गई, पर कई लोग ऐसे हैं जो धूप में छाता लगा लगा कर बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो कहीं नौकरी करता है, सर्विस कर रहा है, और दूसरा वो जिसकी खुद की दुकान है, जिसका खुद का व्यापार है, स्वयं की दुकान, स्वयं का व्यापार, स्वयं की दुकान। ये अमलेश्वर की लाखों की भीड़ में ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी वाला भी है तो कोई दुकान वाला भी, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान का। दोनों में क्या अंतर है? नौकरी करने वाले में और व्यापार करने वाले में क्या अंतर है? सर्विस करने वाले में और दुकान करने वाले में क्या अंतर है?
सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है उसमें, और जो दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें क्या अंतर? शिव महापुराण की कथा कहती है इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला 5 बजे अगर ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता। कौन? जम के बोलो जरा, जम के। सर्विस वाला, नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से घड़ी को देखना प्रारंभ कर देता है कि मेरी 5 बजे छुट्टी होगी, मुझे 5 बजे ऑफिस से जाना है, 5 बजे मुझे 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 जाना। सर्विस वाला 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, क्यों, क्या कारण? 4 बजे से वो घड़ी देख रहा, ये नौकरी वाला, सर्विस वाला। और दुकान वाला घड़ी नहीं देखता, रात के 10 बज रहे हैं ना, दुकान मंगल कर रहा है, और कोई ग्राहक आकर खड़ा हो गया तो ग्राहक आते से ही वो 10 बजे रात को भी सामान देगा जरूर। अगर 10 बजे रात को भी कोई ग्राहक आ गया तो दुकान बंद करते 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 भी अपना सामान जो है वो देगा। नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, और व्यापार करने वाला जिसकी खुद की दुकान है वो घड़ी नहीं देखता, जाते जाते भी ग्राहक आ जाए तो उसको देकर फिर जाता है। उसका केवल एक कारण है कि नौकरी वाला घड़ी इसलिए बार बार देखता है क्योंकि उस क्या नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, और दुकान वाला घड़ी इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो पूर्ण अपने व्यापार की ओर समर्पित होकर चलता। अपना पूर्ण समर्पण उसका व्यापार में है, मेरा व्यापार मुझे आगे बढ़ाना है, मेरा काम मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे व्यापार को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे काम को मुझे आगे बढ़ाना है। व्यापार वाला सोचता है कि मुझे अपने व्यापार को 4 चांद लगाना है, मुझे मेरे व्यापार को बढ़ाना है, तो पूर्ण समर्पित होकर काम करता है। नौकर भले ढिलाई कर दे, नौकर भले काम में कंजूसाई कर दे, पर जिसकी दुकान है वो कंजूसाई नहीं करता, वो खुद नौकर जैसा लग जाएगा और काम करके ही मानेगा, स्वयं लग जाएगा, स्वयं करेगा, स्वयं। बस शिव महापुराण की कथा यही कर रही है। सर्विस जैसा समर्पण नहीं चाहिए कि 4 बजे से तुम घड़ी देखना चालू कर दो कि अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बहुएं ऐसी बैठी हैं, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जो 40 साल की जिनकी उम्र है, 45 साल की उम्र है, और उन्होंने अपने जीवन को सोच लिया अब तो मेरा जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे से बनता नहीं है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, अब तो मैं परेशान हो गया, अब तो केवल अब अंतिम क्षण 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मेरे शरीर से नहीं बनता, 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि मेरा शरीर काम नहीं करता, 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मतलब तुम सर्विस वाले हो इसलिए तुमने ये विचार कर लिया कि अब मेरा शरीर काम का नहीं है, मैं काम का नहीं हूं, अब मेरा मरने की उम्र हो गई। पर अगर देखना है तो किसी व्यापार वाले को देखो, देखना है तो घर के किसी बुजुर्ग को देखो जो 85 साल का होने के बाद भी रसोई घर में भोजन बनाने के लिए तैयार खड़ा। देखो, उससे थोड़ा ज्ञान लो, उससे थोड़ा सीखो। 80 वर्ष की बूढ़ी मां, 75 वर्ष की पिता, 70 वर्ष की मां, 65-70-75-80 वर्ष के किसी बुजुर्ग को देखना तो भी उनके शरीर में फुर्ती है, और एक नवयुवक बच्चे आज के जमाने के
नवयुवक लोग सोचते हैं कि ये जीवन किस काम का, तो छोड़ दे तो अच्छा, अब तो जीवन समाप्त कर दे तो अच्छा, अब जीवन बेकार हो गया, अब तो जाना छोड़ना है, छोड़ना। महाराज, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने। संसार सागर में एक सर्विस वाला है, एक दुकान वाला है, सर्विस वाला समय देख रहा है, दुकान वाला समय नहीं देख रहा, वो समय देखता ही नहीं, समय नहीं देख रहा, उसको मालूम है भगवान ने जितनी मुझे जिंदगी दी है, परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है, भगवान ने मुझे जितना जीवन दिया है, उस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है। किसी को धोखा देकर नहीं, किसी को कष्ट देकर नहीं, किसी को परेशान कर कर नहीं, अपनी जिंदगी को जीना है तो लोगों का भला कर कर जीना है। एक कथा आती है, चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए, चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका एक बेटा था जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम है उसका, जम के बोलो जरा, धर्मगुप्त, फिर से बोलो नाम, धर्मगुप्त। चंद्रवंश के एक राजा थे नंद, जिनका एक बेटा था धर्मगुप्त। नंद राजा का बेटा धर्मगुप्त अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलता था और पिताजी जो कह देते थे वैसा वो करता था, पिता के अनुकूल चलता। अच्छा, भगवान बनाता भी है ना तो बड़ा सोच समझ के बनाता है। ये जितने तुम बैठे हो ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, संसार के जितने मनुष्य हैं ना, इनको बनाने में भगवान ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। ज्ञानी भी बनाता है ना भगवान, तो बड़ी मेहनत से बनाता है, बहुत मेहनत से ज्ञानी पुरुष बनाएगा, ज्ञानी महिला बनाएगा। बहुत ज्ञानी अगर भगवान बना रहा है तो बहुत मेहनत से बना रहा है। अच्छा, ज्ञानी किसने बनाया, जम के बोलो, जम के बोलो, किसने बनाया, भगवान ने। ज्ञानी किसने बनाया, जम के बोलो जरा, भगवान, और बहुत मेहनत से बनाया। तो ज्ञानी को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी ही मेहनत भगवान को मूर्ख बनाने में भी लगती है। ज्ञानी उसी ने बनाया है तो मूर्ख भी, जम के बोलो जरा, उसी ने बनाया। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति को तुम मूर्ख बना सकते हो क्या, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति को तुम ज्ञानी बना सकते हो क्या, अरे बोलो तो जम के, नहीं। क्योंकि ज्ञानी इतनी मेहनत से उसने बनाया है तो मूर्ख भी उतनी मेहनत से उसने बनाया, तो किसी मूर्ख को
तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी प्रमाण दे दो, तुम कितनी भी अपने शास्त्र और वेद किसी मूर्ख को दिखा दो, तो भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। मूर्ख मूर्ख रहेगा, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। और ज्ञानी को कितना भी मूर्ख बना लो, वो मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञानी को भी बनाने के लिए मेहनत करी है, तो मूर्ख को बनाने के लिए भी मेहनत करी है। अगर एक विद्वान उसने पैदा करा है तो बड़ी मेहनत से पैदा करा है, और अगर एक मूर्ख पैदा करा है तो उसको भी बड़ी मेहनत से करा, बड़ी मेहनत। अब कई लोग यहां पर अपने अपने घरों में, कई लोग बात में कह देते हैं, हमारा वो भाई तो ऐसा मूर्ख है, उसको समझा समझा के थक गए। तो क्यों समझा रहे, कितनी मेहनत से भगवान ने बनाया है उसको। अगर वो समझने वाला होता तो एक बात में समझ जाता, पर वो नहीं समझा, नहीं समझ। तो शिव कथा कह रही है, सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा, सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, वो नहीं समझा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर किसी को हम बदल रहे हैं और वो बदलना नहीं चाहता, किसी को हम सुधार रहे हैं वो सुधरना नहीं चाहता, वो मूर्ख की मूर्ख रहना चाहता है, तो शिवपुराण की कथा कहती है, फिर उसको मत सुधारो, उसको मत बदलो। फिर शिवपुराण की कथा कहती है, अपने आप को बदल लो तो संसार पूरा बदला नजर आने, अपने आप को। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे युग बदले। अब हमें बदलना, और बदला कि नहीं बदला युग। कलयुग चल रहा था, लोगों ने मंदिर छोड़ दिए थे, शंकर जी के मंदिर में ताले पड़े रहते थे, शंकर जी के मंदिर में कोई पानी डालने नहीं जाता था, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, जाले हो जाते थे, शंकर जी के मंदिर में जानवर थे, पर शंकर के मंदिर में सावन के महीने में लोग जाते थे और शिवरात्रि पर जाते थे। कांवड़ लेने के लिए कुछ लोग जाते थे, कांवड़ भरने के लिए कुछ लोग जाते थे, सावन के महत्व को कौन जानता था। हर महीने शिवरात्रि आती है ये कोई नहीं जानता था, घर से जल ले जाने का क्या महत्व है इसको कोई नहीं जानता था, शंकर जी की बेटियां कितनी है इसको कोई नहीं जानता था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया, और ये शंकर की भक्ति, और कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया। ये जो भजन की लाइन है, हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी हैं, शिष्य हैं, उनकी धर्म पत्नी ये भजन बनाई थी। अब तो लोगों ने इसको अपनी अपनी एल्बम में गा दिया, पर इस भजन का निर्माण झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी ने किया था। कि कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचा, कलयुग में शिव युग आए और मेरे शंभू ये तेरा रचा। ये उसकी रचना है, ये उसका बनाया गया, ये उसने निर्मित किया। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ वालों जरा जवाब देना, और आस्था चैनल के सामने बैठकर जो कथा सुन रहे हैं वो भी जवाब देना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते होगे, छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जल चढ़ा रहे होते होंगे, आपका दिल खुश होता होगा कि नहीं होता होगा। जम के बोलो जरा, होता होगा ना, कि इतने छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे
शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो ये कलयुग है कि शिव युग है? प्रसन्नता होती है। कितनी प्रसन्नता। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी से, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को, अमलेश्वर की कथा को, करोड़ों लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, करोड़ों लोग, और पूरे अमलेश्वर के भक्त पूरे पंडालों में बैठकर, दुकानों पर, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा जिस घर के बच्चे के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने का लोटा आ गया, जिस घर के बच्चे को आपने मंदिर की सीढ़ी चढ़वा दिया, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, यह पक्का। वृद्धाश्रम की सीढ़ी घर के बुजुर्ग जब चढ़ते हैं जब बच्चे मंदिर तक जाना नहीं सीखते। जो मंदिर जाना चालू कर दिया उसके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा, भाव जागृत होगा तो वो अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं दे सकता, अपने घर के बुजुर्गों को कभी कष्ट नहीं दे सकता। जिसके अंदर संस्कार ही नहीं होगा तो वो कष्ट देगा। इसलिए निवेदन है कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहरों में नस्ल बिगड़ रही है, उस नस्ल जो बिगड़ रही है उसको सुधारना। थोड़ा सुधारने का प्रयास कर। चंद्रवंश के राजा नंद के घर में एक बेटे हुए जिनका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त मंदिर देवालय शिवालय जाते, आराधना करते, अर्चना करते, पूजन पाठ सब किया करते, सब सब। चंद्रगुप्त धर्मगुप्त सब काम करते, भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति, भजन कीर्तन स्मरण। अब एक दिन धर्मगुप्त अपने किसी मित्र के साथ में मंदिर की आराधना छोड़कर, मंदिर की पूजन छोड़कर, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने की जगह धर्मगुप्त अपने मित्र के साथ में भ्रमण करने चले गए, घूमने के लिए गए, और घूमने जाने पर उसी मित्र के घर पर एक रात्रि विश्राम कर लिया और मित्र के घर पर जब एक रात्रि विश्राम करा और एक रात्रि विश्राम कर जब उसके घर का भोजन करा, भोजन कर धर्मगुप्त वापिस आ और जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा खाया अन्न, जम के जरा, वैसा हो गया मन। और जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है, बोलो बोलो जम के, दूध से। पहले लोग काय का दूध पीते थे, गौ माता का, आज लोग काय का दूध पीते हैं, जम के बोलो जरा, भैंस का। भैंस का दूध पिया है तो कितना भी हारन दे लो, भैंस टस से मस नहीं होती। उसी तरह आज का व्यक्ति टस से मस नहीं होता। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने अपने घर में एक एक गौ माता की सेवा जरूर करो और घर के अंदर गौ माता जरूर रखो, जरूर रखो। अरे गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। गौ माता की
सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा। और मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा। के लिए तो कोई माता पिता की सेवा नहीं करता आज के जमाने में। लोग सेवा करो तो चाबी मिले, कौन करे आज के जमाने में। फिर वही वाली लाइन आ गई, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब तेरा हमने, देख लिया। महाराज कौन कर रहा है? शिव मंदिर छोड़ा धर्मगुप्त ने, अपने दोस्त के घर चले गए। एक रात्रि विश्राम करा, भोजन किया, भोजन कर कर वापिस आया। अन्न का बड़ा असर है, अन्न का बहुत असर। बहुत सावधानी रखिए भोजन करने में, बहुत सावधानी। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगे तो खारू गंगा में विसर्जन कर, ठीक है। किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में किसी धाम में जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, अपने गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो भिक्षा मांग लेना कि अन्न क्षेत्र चल रहा है क्या, यहां भोजन भंडारा चल रहा है क्या, वहां से थोड़ा सा अन्न का भाग मांग कर खा लेना। क्यों? क्योंकि वहां जो मिलता है वो भोजन नहीं मिलता, वहां तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद जब हमारे हाथों में आता है तो मात्र उस प्रसाद का स्पर्श, मात्र उस प्रसाद का दर्शन हमारी जिंदगी को सवार दे, मात्र दर्शन, प्रसाद का मात्र दर्शन। कई माताएं कहती हैं, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है, हम ये वाला प्रसाद नहीं ले रहे। नहीं, चतुर्थी का व्रत है ना, हाथ में प्रसाद लो, वो प्रसाद तुम्हारे हाथ का स्पर्श करेगा ना, तो कभी जिंदगी में लकवे की बीमारी नहीं आएगी, तेरा हाथ अच्छा के अच्छा बना रहा है। नहीं, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। नहीं, दोनों हाथ पसार के प्रसाद लीजिए, दोनों हाथ पसार के। मंदिर गए हो ना, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम धनपति हो, वैभवपति हो, तुम्हारे पास में सत्तापति हो, चाहे तुम किसी के भी पति हो, जितना भी तुम्हारे पास में वैभव है अपने पास में रखो। मंदिर गए हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से, गुरुजन से कहो, हमें चरणामृत दे दीजिए। हाथ पसार कर लीजिए चरणामृत को, हमें चरणामृत दे दीजिए। किसी पवित्र नदी के तट पर गए हो, उसका आचमन और उसका जल का छींचन लीजिए। वो कितना फल देगा। एक पत्र है, देखिए, शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, ग्राम असनारा, सही है, अर्सनारा पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो
तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना दोनों हाथ हिला सकते हैं। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आपके सामने जो एलईडियां हैं, टीवी हैं, उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हो। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पति के मुख में गांठ हो गई थी और हमें पता चला तो हमने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो पता चला 4 दिसंबर को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसमें कैंसर मुख का बताया और मुख का कैंसर था। गुरुजी ने अब कैंसर तो बता दिया, इतनी बड़ी बीमारी को सुनकर चिंता तो होती है, टेंशन तो होता है। गुरुजी, तब इतनी बड़ी बीमारी सुनकर आपका जो रात्रि को 9:15 वाला उपाय है, शंकर को जल चढ़ाना और उस जल को लाकर आचमन कराना, वो हमने हमारे पति को कराना प्रारंभ करा और फिर वापिस दूसरी बार जब टेस्ट करवाने के लिए हम फिर वापिस एम्स हॉस्पिटल गए तो बाबा का हम क्या गुणगान करें, डॉक्टर ने देखते से कह दिया कि गठान गल गई है और कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है जिसकी रिपोर्ट मैं अपने इस के साथ लगा रही हूं, पूरी रिपोर्ट लगा कर दिया। प्रथम कैंसर की रिपोर्ट, कैंसर बताया गया, फिर दूसरी रिपोर्ट में कैंसर नहीं लाया। ये अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, आप आमंत्रित हैं। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभू। अब इसमें कोई सियोर वाला महाराज नहीं आया, इसमें ना कोई ने भभूति दी, ना बेल दी, ना नरियल दिया, ना कुछ दिया, यहां तो तुम्हारा विश्वास काम आया कि तुम भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए, अपने दिल की बात अपने महादेव से कहना प्रारंभ कर दिए, तो महादेव ने आपके दिल की बात को सुनकर मेरे देव अधिदेव महादेव ने बड़ी से बड़ी बीमारी को भी समाप्त कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है। और हमने पहले भी कहा है, हमारे YouTube चैनल पर एक 9:15 पर करने वाला उपाय उसमें डला हुआ है, जिसको हमने 6 या 4 पहले वाचन किया है। 4 पहले हमने बताया था कि रात्रि को 9:15 पर शंकर जी को चढ़ाया गया जल बेलपत्र एक ऐसी औषधि निर्मित कर देती है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाती है, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे कैंसर से जुड़ी हो, उसका तत्व ही है। जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है उसमें, एक आनंदता सिद्ध होती है। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख दया करी न दर्शन, शंभु शरण मांगू रे दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व की प्रबलता आपके विश्वास में, आपके दुख के समय पर, आपकी तकलीफ के समय पर, आपके कष्ट के समय पर सियोर वाला महाराज सियोर छोड़कर नहीं आएगा, याद रखना, बहुत अच्छे से समझ लेना। और केवल सियोर वाला महाराज ही नहीं, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। पर इतना याद रखना, महाराज भले खड़ा ना हो, बाबा भले खड़ा ना हो, पर मेरा भोला बाबा तो तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर खड़ा है।
निश्चित है। मेरा भोलेनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा है, मेरा शंभुनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा है। और अंत समय प्रभु, देखो ये लाइन को हम अकेले नहीं गाएंगे, तुम भी जितने पंडाल वाले सारे पंडाल वाले बोलो, अंत समय वचन दी निभाना पड़े, आए ना आए प्रभु ओटो तुम्हारा पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े, अंत समय प्रभु आना पड़े, कोई नहीं आएगा अंतिम बिंदु में, कोई नहीं आएगा। तुम्हारा 50 लाख का कर्जा हो जाए, तुम एक एक रिश्तेदार के हाथ पर जोड़कर देख लेना, हम देखें कौन तुम्हारा 50 लाख का कर्जा चुका सकता। कितनी बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में आ जाए, लोग दवाई करा देंगे, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, पर कौन होगा जो उस दर्द को सहन करेगा, उस कष्ट को सहन करेगा? तुम्हारा कष्ट तुम्हें सहना है, तुम्हारा दर्द तुम्हें सहना है। कोई दूसरा नहीं साहेब, अपने कष्ट को अपने को सहना, अपने दर्द को अपने को सहना। हॉस्पिटल में पलंग पर अकेले पड़े होंगे, सब आएंगे देखेंगे मिलेंगे, एप्पल भी लाएंगे, नारियल पानी भी लाएंगे, सब रखेंगे, पर सब पड़ा हुआ है, सब रखा हुआ है, पर कोई दर्द को बांटने वाला नहीं होगा, तुम्हारे शरीर के रोग को तुम्हारे कष्ट को कोई बांटने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दर्द को तुम्हारे दुख को तुम्हारे कर्जे को तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं बांटेगा। बस केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आएगा और तुम्हारे दुख को काट कर। पत्र है देखिए, मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी श्री अवनीश मिश्रा, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से यहां आई हूं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं मैनपुरी की। मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी श्री अवनीश मिश्रा, मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी श्री अवनीश मिश्रा, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं भोलेनाथ का क्या वर्णन करूँ? बेटी आई है क्या साथ में? आई है, लिया इसको, लिया लेके आ जाओ इसको। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूं गुरुदेव। मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी अवनीश मिश्रा, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। पत्र को आप लोग हमारे साथ में एलईडी पर टीवी पर पढ़ सकते हैं। जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी बेटी संध्या मिश्रा, उम्र 6 वर्ष है, जो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती थी, और उसके सिर के पिछले भाग में एक गठान हो गई थी, जिसका इलाज हमने कानपुर के हॉस्पिटल में कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसको हमने भोपाल में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, वहां भी डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरुदेव, हमने आपकी कथा में सुना था कि रुद्राक्ष का जल देने से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल बेटी को पिलाना प्रारंभ किया और लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, भोले बाबा का हम क्या वर्णन करें? आज मेरी बेटी के सिर की गांठ
पूरी तरह से समाप्त हो गई है और मेरी बेटी 90% बोलने लगी है। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, बाबा सुनता है। गुरुदेव, 5 पंडाल का मैंने अनुभव बता रही हूं। प्रथम, मैंने अपनी बेटी के लिए कानपुर के पंडाल में कथा सुनी। दूसरा, मैंने मैनपुरी के पंडाल में कथा सुनी। तीसरा, मैंने कुरुद धमतरी के पंडाल में कथा सुनी। और चौथी कथा मैं अमलेश्वर के पंडाल में सुन रही हूँ। मेरे बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी है शंभू। इस बेटी के उसके पापा CRPF में सर्विस भी करते हैं। बेटी के सिर में बड़ी गठान थी और बोल नहीं पाती थी। उसके पापा मम्मी का कहना है 90% बेटी बोलने लगी और गठान पूरी गल चुकी है। ये शिव तत्व है, शंभु है वो। और खाली ना जाता कोई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इतनी धूप में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी कथा खाली नहीं जाएगी। मेरा बाबा तुम्हें भर कर जरूर भेजेगा। उससे दिल से कह, अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे पांव पसारे। अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। कोई साथ नहीं दे, ना हम आएंगे ना दुनिया का कोई व्यक्ति आए। अंत समय में जब तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, जब तुम्हारी कोई ऐसा समय तुम्हारे पास में आ गया कि मैं बहुत कष्ट में हूं, उस समय उसको याद करना, उस परमात्मा को याद करना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू को याद करना, देरी नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर रहता है। जो पास में रहता है वो सबसे पहले तोड़ कर आएगा और तुम्हारा दुख हर कर। नजदीक में आए शिव जी, नजदीक शंभु, उसको पुकारो, उसको बुला लो। महाराज, आप दिल से पुकारोगे वो उतना दिल से आपके सम्मुख में।
उसको जितना दिल से पुकारोगे और आप हृदय से जब उसको आमंत्रित करोगे तो वो आए पहुंचेगा जरूर, दुख हरेगा जरूर। धर्मगुप्त धर्मगुप्त मित्र के घर गया और मित्र के घर में भोजन कर आ गया एक रात्रि विश्राम करा और भोजन कर आ गया। धर्मगुप्त अन्न बहुत असर करता है, बहुत असर। आप लोगों में से रात्रि के समय पर कोई इस पंडाल में आए हो? जम के बोलो जरा, हाथ उठाओ, कौन कौन आया रात्रि को पंडाल में? आयो आप लोग? दिन का नजारा आप लोग अपनी आंखों से देख लेते हो, कथा हो रही है, सब आराम से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कभी बन सके ना, ए रायपुर वालों, दुर्ग वालों, अमलेश्वर वालों, बन सके तो कभी रात्रि के समय पर आकर इस पंडाल का नजारा देखना। सब अपनी मस्ती में शंकर को याद कर पुकारते हुए, गाते हुए, भजन में डूबे हुए, कभी रात्रि का नजारा देखना। कभी मौका मिल जाए तो रात्रि का नजारा आकर देखिए, एक बार पंडाल में पहुंच कर देखो। बांटने वाले पानी बांट रहे होंगे, बांटने वाले बिस्कुट बांट रहे होंगे, रात्रि के समय पर कोई घर से पोहा बना कर लाएगा, कोई भोजन बना कर लाएगा, सबको बांट रहे होंगे और लोग भजन में डूब कर नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, भगवान शंकर को याद कर रहे होंगे। कुंभ में 12 साल में कुंभ का नजारा एक बार देखने को मिलता है, कुंभ का नजारा एक बार दर्शन करने को मिलता है। परशु महापुराण का ये कुंभ ऐसा कुंभ है जो हर 7 दिन में नजारा दर्शन करने को मिलता है, इसका आनंद लीजिए, इसका आनंद। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन कर लिया, एक रात्रि विश्राम और भोजन करा। और एक रात्रि का जब भोजन ग्रहण किया, भोजन पाया, भोजन किया, बुद्धि में जिस दोस्त के घर का भोजन करा था, जिस मित्र के घर का भोजन करा था, वो मित्र जिसके घर का भोजन किया है, जिसके यहां का भोजन किया है, वो मित्र धोखेबाज था। ये शिवानंद साहू जी हैं, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा पाटन जिला दुर्ग से, जिनके मुख में डॉक्टर ने एम्स में कैंसर बता दिया था और फिर रात्रि के 9:15 वाला जो प्रयोग किया और आज बाबा की कृपा से कैंसर निल आया है, एम्स की रिपोर्ट उनके हाथ में दी गई है। एक बार ये आपकी ताली नहीं है, ये महादेव से इनको आशीर्वाद दिलाया गया है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अच्छा हो गया, अब तो बाबा ने सुन लिया और क्या चाहिए, ठीक है ना पूरा। अरे लुटा दिया भंडार,
कर दिया माला। अपने भीतर एक धर्मगुप्त एक रात्रि को विश्राम करके मित्र के घर का भोजन करता रहा। एक रात्रि एलईडियां चालू करो ना भाई, एलईडी चालू क्यों नहीं, एलईडी नहीं चालू है तो दूसरी लाइट लगवा, एलईडियां चालू करो, लोग परेशान हो रहे हैं। लाइट नहीं है, आप लोग आराम से बैठ जाओ, कथा आपके कानों तक पहुंच रही है, आप लोग कथा श्रवण करिए, उसका आनंद लीजिए। आप धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन किया, मित्र के घर अब जिस मित्र के घर का धर्मगुप्त भोजन करे थे वो मित्र धोखेबाज था, दिखावा करता था राजा के लड़के के साथ में, धर्मगुप्त के साथ में दिखावा करता था कि मैं इसका हितेशी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं, मैं इसका हितेशी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं, ये दिखावा करता था। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं भाई, ध्यान रखना तुम्हें एक बात का, अपने भीतर एक स्मरण रखिएगा, अपने भीतर एक भाव रखिएगा कि दुनिया में अच्छा मित्र, दुनिया में अच्छा मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा मित्र, बड़ा मुश्किल से। दुनिया में अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते, और जिस दिन देवाधिदेव महादेव की कृपा से तुमको अच्छा मित्र मिल जाए, जिस दिन शिवजी की कृपा से तुमको कोई अच्छा मित्र प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि भगवान देवाधिदेव महादेव ही खुद उतर कर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास में आए। अच्छा मिल जाए तो, और मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा मंदिर छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा भजन छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी भक्ति को छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी कथा कीर्तन सत्संग को छुड़वा दे, मित्र ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक लेकर जाए और अच्छी जगह पर तुम्हें भी मित्र वो होना चाहिए। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दर्श आपो शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। धर्मगुप्त राजा का जो मित्र है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसकी श्रेष्ठता नहीं, ऐसा मित्र से पाला पड़ गया, ऐसे मित्र के घर का भोजन किया उसने, ऐसा भोजन उसने ग्रहण किया अपने मित्र के घर का कि उसकी बुद्धि भी धोखा देने के लिए जागृत हो। धोखा देने के लिए जागृत हो गई, और हुआ क्या, धर्मगुप्त एक दिन वन में मृगा करने के लिए
मृग करने के लिए, मृगा करने के लिए गया, और वन में आखेट खेलने के लिए जैसे ही गया, जाते 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 रात्रि हो गई और उसकी बुद्धि ध्यान नहीं दे पाई कि रात हो गई, और आधी रात को वो घने जंगल में फंस गया। घने जंगल में फंसा, एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। घने जंगल में फंसा, आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठा है धर्मगुप्त। अब रात्रि का समय, भय लग रहा है कोई सिंह ना खा ले, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई सिंह मुझे भक्षण ना कर ले, भय लग रहा है उसको। अब करे तो करे क्या, भय लग रहा है, बैठा है पेड़ के ऊपर। आधी रात को एक भालू के पीछे शेर दौड़ता दौड़ता आया, और भालू भागता 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 एक रीछ भागता भागता आया, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिस आम के पेड़ पर धर्मगुप्त चढ़ा हुआ था, उसी आम के पेड़ के ऊपर वो रीछ भी चढ़ गया, वो भालू भी चढ़ा। अब धर्मगुप्त को गुस्सा आया, धर्मगुप्त ने तुरंत धनुष और बाण उठाया और रीछ को मारने के लिए जागरूक हुआ। इतने में रीछ बोला, मुझे मत मारो, देखो मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, ये शेर मुझे खा जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रीछ कहता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, ठीक है, मैं भी इस पेड़ पर रहता हूं और तुम भी इस पेड़ पर रहो, मैं भी आम के पेड़ पर चढ़ा हूं, तुम भी आम के पेड़ पर चढ़े रहो, नीचे शेर है, आप और मैं दोनों मिलकर इस शेर को भगा देंगे, तुम चिंता मत करो, सो। अब रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम पहले सो जाओ, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाना, शेर नीचे है, अपन एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, तू मुझे खा तो नहीं जाएगा? रीछ ने सोगंध खाली में नहीं खाऊंगा, तुम सो। राजा सो गया, धर्मगुप्त जैसे सोया, आधी रात को धर्मगुप्त की नेत्र खुले, खुलते से ही अब उसने रीछ से कहा, रीछ तुम सो जाओ। जब राजा सोया, धर्मगुप्त जैसे ही सोया, तो नीचे जो शेर था, शेर ने रीछ से कहा, फेंक दे राजा को नीचे। रीछ कहता, नहीं, मैंने इसको वचन दिया है, मैं नीचे नहीं फेंक सकता, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, मैं तेरे सामने इस राजा को नहीं फेंकूंगा। सो गया, राजा सो रहा है, रीछ जाग रहा है। आधी रात को राजा उठ गया, रीछ सो गया। रीछ से कब तुम सो जाओ, रीछ सोया। नीचे से शेर ने राजा से कहा, धर्मगुप्त, राजा फेंक दे इस रीछ को नीचे, सो रहा है, फेंक दे नीचे, इस रीछ को नीचे फेंक दे राजा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में तुझे खा जाऊंगा। इतने में तो राजा ने तुरंत धक्का देकर रीछ को नीचे फेंकने ही वाला था, इतनी देर में उस रीछ ने एक आम की डाली को पकड़ लिया, और पकड़कर रीछ उस आम की डाली को पकड़कर बच गया। और राजा से उस रीछ ने कहा कि धन्य है रे राजा, देख मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, जानवर होकर, पशु होकर, जीव जंतु होकर मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, पर राजा तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया। राजन, मैं अंगिरा, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, आज मैं तुझे श्राप देता हूं राजन, पृथ्वी पर तू पागल बनकर जन्म लेगा, अगला जन्म जो तेरा होगा तू पागल बनकर जन्मेगा। राजा हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दो, गलती। अंगिरा जी कहते हैं, अगर मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो इतना याद रखना कि किसी को धोखा मत देना जिंदगी में। अगर धोखा दिया है
तो किसी पागल खाने में जाकर पागल को देख लेना और कि अगला नंबर इस पागल की गिनती में हमारा भी होने वाला है, क्योंकि हमने धोखा दिया है। किसी को धोखा मत, जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जरा से धन के चक्कर में, जरा सी सत्ता के चक्कर में, जरा से वैभव के चक्कर में, जरा सा नाम के चक्कर में हम एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी कुर्सी के चक्कर में हम एक दूसरे को लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में हम भाई भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ईमानदारी से बोलो, अच्छे से अच्छे सूरमा शमशान में राख का ढेर बन गए। अच्छे से अच्छे सूरमा राख का ढेर बन गए। जब राजा रावण जैसा विद्वान, जिसके सारे ग्रह उसके हाथ में थे, रावण जैसा विद्वान जिसका धर्मराज और यमराज भी उसके हाथ में थे, उस लंकाधिपति राजा रावण को भी मरना पड़ा है। कंस जैसा राजा उसको भी मरना पड़ा, जिसके पास में पूतना थी, तृणावत था, गर्सुर था, बकासुर था, उस कंस को भी मरना पड़ा है। हिरण्यकशिपु जिसने वर मांगा था, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना बारह महीने में मरू, उस हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े सूरमा चले गए तो अमलेश्वर वालों, आप और हम कहां के सूरमा है? जाना सबको है, पहुंचना सबको है, एक दिन राख का ढेर सबको बनना है। और 40 लाख की गाड़ी में बैठने वाला एक दिन 40 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाएगा। 40 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 40 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाएगा, प्रयागराज चले जाएगा, 40 रुपए के लोटे में। इसलिए ना तो गाड़ी की अकड़ रखो, ना कुर्सी की अकड़ रखो, ना सत्ता की अकड़ रखो, ना अभिमत्ता रखो कि मैं ये तो मैं वो। तुम कुछ भी होगे अपने गांव के और अपने नगर के और अपने मोहल्ले के, उसके दरवाजे के कुछ नहीं हो। जितना भजन करोगे उतना उसके करीब में जाओगे, अन्यथा उससे दूर। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। समझो जरा, कई माताएं कह देती हैं अकड़ अकड़ में, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो बुढ़िया से कह तो मर जा, मर के तो देखो। कई लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, कोई कहता मैं घर चला रहा हूं, कोई कहता है मैं ये कर रहा हूं। अरे तुम होते तो भी होगा और नहीं होगे तो भी होगा। जिंदा हो तो लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं, मर जाओगे तो 10 दिन के बाद में पूरी, चने की सब्जी, रायता, गुलाब जामुन, खोपरा पाक, सेव, नुक्ती खूब लपक के खाएंगे। और तेरा फोटो टंगा रहेगा, उस पर फूल की माला चढ़ी रहेगी और नीचे आलू में अगरबत्ती खुशी होगी। काय में अगरबत्ती, आलू में। कोई ध्यान नहीं देगा, कोई भी नहीं, कौन याद करेगा? अरे तेरा तेरा दिन, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन, सुमीरन क्यों नहीं करे। कोई नहीं याद करेगा, केवल तेरा दिन याद करेंगे, इसके सिवा कोई 14वें दिन याद नहीं करे। छोड़ा गए, इसलिए निवेदन है
पृथ्वी पर यह मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो कुछ अच्छा करते हुए चलना कि मरने के बाद भी लोग याद करें कि कोई था जिसने अमलेश्वर की इस पवित्र भूमि पर कोई अच्छा कार्य कर दिया। कोई कर्म बेकार कर कर मत जाओ, अच्छा करो जितना बन सकता। किसी को धोखा नहीं देना, और धोखा दे दो तो तुम्हारे मोहल्ले में जो पागल घूमते हो ना उनको देख लेना, इसने भी किसी को धोखा दिया होगा तो इस जन्म में पागल बनकर पैदा हुआ। अगला जन्म अगर तुमने किसी को धोखा दिया, भाई बंधु कुटुंब नाते रिश्ते किसी को भी तुमने धोखा दिया है, अगला जन्म तुम्हारा पागल का है, तुम तैयारी रख लो और मोहल्ले मोहल्ले घूमते फिरोगे, कॉलोनी कॉलोनी घूमते फिरोगे, ये निश्चित। इसलिए अरे जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में